लोग रोटी नहीं खाते, मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड है, डू ट्राई देम। ओहो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, पिंड जैसा माहौल है। घोड़ा नचा है, घोड़ा भी नच रहा है। ओए घोड़ा नच रहा है। तू नहीं हले उठे ना, सुस्ती पाई है, चल उठ। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं गाइस? ठीक है, मैं देखता हूं खैरियत से होंगे। यार सुबह सुबह का टाइम है, 7:30 बजे का टाइम है, आज संडे का दिन भी है और ऑफिस वालों ने फिर आज संडे बुला यार ऑफिस बुला लिया। यार ऑफिस तो खैर नहीं जाना, एक जगह पे जाना है, तो आप मेरे साथ रहिएगा, मैं वो जगह भी आपको दिखाऊंगा, क्या जगह है, क्या काम करना है, तो साथ रहिएगा। वैसे सुबह सुबह कभी उठा नहीं हूँ इतना सुबह, आज उठ गया हूँ तो बड़ा प्यारा सा व्यू लग रहा है यार, मजा आ रहा है यार सुबह सुबह उठ के। उठना चाहिए यार, सुबह सुबह उठना चाहिए, है ना? सही कह रहे हो। चलो जी मेरे साथ रहिएगा, तो दिखाता हूँ जी कहाँ जाना है मैंने, क्या काम करना है, सारा कुछ बताऊंगा। तो भाई सुबह का वेदर देख रहे हैं, हल्की हल्की धूप पड़ रही है यार, ठंड भी है यार, इतनी सुबह सुबह कभी कहीं गया नहीं ना, अब पता चला कि सुबह सुबह ठंड भी होती है। तो गाइज मैं इधर आया हूँ और गिनेक विलेज, यहाँ पे कोई आज फेस्टिवल है, वो सामने देख रहे हैं ये मशरूम फेस्टिवल सिस्टम, ये ऑर्गेनिक विलेज है, तो यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे हमें बुलाया है, तो देखते हैं अंदर जाके क्या सीन है। मुझे तो कुछ एक्साइटेड लग रहा है, देखते हैं जाके क्या सीन है। और ये सामने देखे आए मौला मौला का आलम भी लगे हुए हैं माशाल्लाह। मैं पहुंच गया हूँ ऑर्गेनिक विलेज अंदर, यार ये तो माशाल्लाह विलेज की तरह लग रहा है, हाय हाय हाय, ये तो मेरी फेवरेट जगह है यार, पसंदीदा जगह, क्या बात है यार। तो यहाँ पे है इमेट, वो मैं आपको साथ साथ दिखाऊंगा, साथ ही रहिएगा मेरे। कोई इमेट है, गांव टाइप लग रहा है यार, मेन गुल डिफेंस के अंदर देखिए ये गाँव जैसा माहौल है, वो देखिए सामने झोपड़ी सी भी एक बनी हुई है, सेम ये इधर कमांड लगा हुआ है वो सामने, ये देख रहे हैं ना सारा पिंड है यार, पिंड जैसा फुल माहौल है, पिंड जैसा शहर के अंदर और डिफेंस के अंदर शहर जैसा माहौल है। वो देखिए सामने ट्रैक्टर भी चल रहा है और ये सारा पिंड है, ओए है यार चस आ गई यार, मुझे तो यही माहौल बड़ा पसंद होता है यार, क्या बात है इस मौसम, इस यार शहर के अंदर इस तरह का माहौल मिल रहा है, और क्या चाहिए यार। ये देखें ये सारा वो मेरे हल कमांड भी लगा हुआ है, ट्रैक्टर ट्राली भी है वो सामने, आए हाय हाय। ये आज मैं सारा आपको विज़िट करवाता हूँ और यहाँ पे क्या फेस्टिवल है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, आज मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, तो व्लॉग को पूरा देखिएगा, मज़ा आएगा इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे और मज़े मज़े में होंगे। तो आज हम अपना व्लॉग स्टार्ट कर लें, वेलकम टू एन अदर व्लॉग, ब्रांड न्यू व्लॉग। तो यार मेरा दोस्त भी आ गया जो मेरे साथ काम करते हैं, कैसे हैं भजन, ठीक हैं, खैर खैरियत से हैं? यार आपको कैसा लगा ये माहौल आज का पिंड का? अच्छा है, वही देख रहा हूँ अभी तो आया। यार मैं तो परेशान हो गया कि मेन शहर के अंदर इस तरह का माहौल मिल रहा है यार, कभी ये फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ ऐसा माहौल। पूरा गांव हाँ यार, वो पूरा गांव है, देखे ना वो सामने झोपड़ियाँ भी बनी हुई है, सामने कमान लगा हुआ है, और ये सारा मैं आज को आपको ये विजिट करवाऊंगा, लेकिन ये मुझे माहौल बड़ा पसंद आया है। बाकी आपको कैसा लग रहा है ये माहौल? मुझे भी अच्छा लग रहा है। और एक तो सुबह सुबह उन्होंने संडे वाले दिन उठा दिया यार, ऊपर से ये माहौल यार, यानी कि दिन खराब नहीं हुआ, बस ठीक है, अच्छा लग रहा है। मैं ये समझूंगा कि संडे का दिन, मैंने सबसे पहले समझा था दिन खराब हो गया, लेकिन यहाँ पे आकर लग रहा है कि अच्छा ही गुजरेगा दिन। तो देखते हैं ये आगे, आपको ये सारा विजिट कराऊंगा, ये क्या चीज़ है, किस चीज़ का फेस्टिवल है, जो भी है सारा इंशाल्लाह आपको बताएंगे इस बारे में, बाकी सारा ये आपको विजिट भी करवाएंगे। हाँ जी, और सुनाई जी कैसे हैं आप? ठीक हैं, उठ गए थे सुबह सुबह, आँख खुल गई थी? उठाया, अब उठना था, बुलाया जब मैं तो फिर उठ के आना ही पड़ा। अच्छा, मैं संडे स्कूल से सोएंगे, दोपहर को उठेंगे, नहीं जी सुबह सुबह पहुँच, सुबह सुबह ही उठना जी, सुबह सुबह पहुँचना है। हम आ गए, हम पहुँच गए, लेकिन वो अभी तक नहीं पहुँचे, तो देखते हैं जब आएंगे तो इंशाल्लाह उतनी देर तक ना आपको ये विजिट करवाते हैं, क्या चीज़ है, क्या सीन है, क्या मतलब कि मुझे भी नहीं पता अभी क्या सीन है, जब साथ साथ होगा सबको, आपको भी पता, आप सब दिखाएंगे, हम भी साथ साथ देखेंगे कि ये सीन है, ऐसे ही ना भाई? जी बिल्कुल ऐसे ही। चलो, यहाँ पे कोई फेस्टिवल होने लगा है, तो ये देखें जी मिट्टी के बर्तन भी यहाँ पे पड़े हुए हैं काफ़ी ज़्यादा, ओहो बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, पिंड जैसा माहौल है तो मिट्टी के बर्तन तो होंगे। आगे ये फुहारे वगैरह भी लगे हुए हैं, चेक कर रहे हैं, फिश पाउंड, ये क्या तालाब की गहराई 5? अच्छा ये है 5 फुट है इसकी गहराई, इसकी 5 फुट तो नहीं है। अच्छा इसमें फिश भी हैं, ओए होए 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 होए, ये फिश भी हैं यार, क्या बात है माशाल्लाह, रंग बिरंगी फिश हैं यार इसमें तो,
हाँ जी, आप देखो जी ये जो मछलियाँ भी हैं चेक कर रहे हैं, 5 फुट गहराई है इसकी, और वो देखिए फिश भी हैं काफ़ी ज़्यादा, आप देख रहे हैं ये फिश फिर रही हैं, आए हाय कलरफुल फिश, क्या बात, आए यार क्या सीन है यार। तो गाइस एक और चीज़ दिखाऊँ, ये देखिए ये पिंड जैसे गा रहे हैं, देख रहे हैं अच्छा सा रही है, और मज्जे भी हैं यहाँ पे, आए हाय हाय ये मज्जे दिखाता हूँ मैं आपको, ये मज्जे खड़ी हैं, मज्जे मज्जों का तो आपको पता ही होगा ना, ये देखिए ये मज्जे खड़ी हैं, देख रहे हैं ये सारी मज्जे खड़ी हैं, एक घोड़ा भी खड़ा है वो देखें, और ये तांगा भी खड़ा है, तांगा तांगे को तो आपको पता ही होगा, कौवे हैं ये बच्चों के लिए, पिंड टाइप जैसा ना प्ले ग्राउंड इन्होंने बनाया हुआ है, वो भी आपको दिखाता हूँ, झूले लेके दिखाता हूँ भाई इसमें, ये देखें ये झूला लगा हुआ है, और ये रेस्टोरेंट वगैरह है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा, ये है जी पिंग, यू नो पिंग यार, इनू उठन की मसला है, उठ उठ ओए ओए उठ उठ ओए उठ उठ, इंज सुता पे जिमें पता नहीं की है, जिमें लस्सी पी के सुता है ना, सुस्ती का मारे उठ जा, तू नहीं हले उठे ना, सुस्ती पाई है, चल उठ, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, सुता रहा है कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, सुता रहा है कोई मसला नहीं, वो पैन सा वो तो औखा ही होने लग गया सड़क का, तुम उठा रहे हूँ तंग करो तवा ही हो तो चलो जी, पिंगे लगी हुई है, मैं झूले लेता हूँ यार, इस पे बड़ा मजा आएगा, अरे पिछे हो जाओ पिछे हो जाओ पिछे हो जाओ, ओए 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 तो छोटी पिंग है, मैं क्या पता नहीं कितनी बड़ी पिंग है, लेकिन नहीं बढ़िया यार, यार काफी खूबसूरत जगह है यार, और देखो मुर्गाबियां भी लगी हुई है यार, मुर्गाबियां से कहते हैं क्या कहते हैं, ये चकोर है, हाँ चकोर चकोर और बतके, बतके भी है यार, किसी को मारती नहीं है ये, सुलह होगी होगी ना, सुलह होगी होगी ना, आप तो वो देखो, अच्छा पैजी में पैजी, अच्छा वो आगे बड़ी बतके भी है ना यार, यहाँ पे तो काफी ज्यादा माहौल है यार, बड़ा सुकून है, सुकून पुर सुकून माहौल है, पिंड जैसा ही होगी, चली अगे ठीक है यार, जिस का कम नहीं होता उस भी है, तो भी है यार, यार पूरा पिंड जब माहौल है, ये पराली पड़ी हुई है, पराली का तो आपको पता है जो मेरा ख्याल है क्या होती है, मुझे भी नहीं, पराली यार वो उसकी होती है ना चावलों वाली, टूवल भी नहीं है यार, पर टूवल नहीं है यार, ये कुछ और ही है, अच्छा टूवल, लेकिन इसका वो नहीं लगा हुआ, ऐसे पानी छड़ो ना फिर आके बच्चे ना आए, आके जब बच्चे आए, ये है ये वर्मी कंफर्ट लीव्स कंफर्ट, पता नहीं यार मैंने पढ़ना ही नहीं आ रहा यार, मेरी इंग्लिश कमज़ोर है, यू नो इंग्लिश कमज़ोर, और ये है जी पता नहीं यहाँ पे भी कुछ है, ये देख लेंगे, ये है ये सारा कुछ, कीड़े निकलेंगे फिर, हाँ कीड़ों वाला को कोई सीन डाला हुआ इन्होंने, चलो आपको पूरा विजिट करवाता हूँ, अभी तो कोई नहीं आया, तो चलो मैंने कहा आपको ये विजिट करवा दूँ, बाद में देखते हैं जी क्या सीन है, आयो पाने तुसी भी आयो यार, वो ऊपर लिखा हुआ है कि यहाँ से आगे जाना मना है, वो सामने वार्निंग दी हुई कि ये वार्निंग लिखी हुई, यहाँ से आगे जाना मना है, नहीं तो नुकसान के आप खुद जिम्मेदार होंगे, नुकसान ये होगा कि लिखा हुआ है बी हनी फार्मिंग, मतलब कि तुसी सोच सुझ जाओगे, मतलब कि मक्खियाँ मुखियाँ तो लड़ लुट जानगियाँ, उसके जिम्मेदार दे तुसी आप हो गए ना, वो नुकसान हाँ मक्खियों ने आपको सुझा दिया तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, हमारी कोई गारंटी नहीं है, आगे माशा पिपल यार इतने जिंद नहीं होंगे यार, पिपल बड़ा सारा है दरख्त है, यहाँ पे रात को वैसे बड़ा माहौल होता होगा ना, जिन्नों की पार्टी होती होगी ना, आगे भी कोई बोर्ड लगा हुआ है यार, पूरा पिंड माहौल है यार, चस आ गई, यू नो अबाउट चस, हाँ वो भी सामने बच्चे भी हैं, बाकी ये पिपल है, आए पिपल आंदी छावे कदियां बह जावे, मन तो आंदा ही नहीं यार, और भाई कैसे हैं आप, ठीक है ठीक है सर, तुसी बड़े चुप चुप रहते हो, खैर मैं वही देख रहा हूँ ना कि शहर के अंदर गांव कहाँ से आ गया, पूरा गांव शहर यार उन्होंने बनाया हुआ है, देख लो फिर, मेरे ख्याल शुरू से ही होगा ना, मैंने फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ यहाँ पे, मैं खुद फर्स्ट टाइम आज ही उन्होंने बुलाया कि इस जगह पहुंचो, वो ही अब विजिट कर रहे हैं अभी तक, जब तक हमारा बॉस नहीं होते हमारे, बॉस नहीं आ गए, चलो हम विजिट कर रहे हैं आके, सारा यार देखे खेत ही खेत है, चलो बाद में आपको दिखाते हैं, ये सारा खेत है, ये पता नहीं क्या है, ये भी वो टोका शोका लगा हुआ है वो पट्टे को उतरने के लिए, वो पे लगा स्ट्रॉबेरी फील्ड्स, आगे स्ट्रॉबेरी के कोई हैं, स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, ये स्ट्रॉबेरी लगी हुई है, ठीक हो गया,
तो आगे बहुत आगे तक है, लेकिन हम यहाँ से पीछे जा रहे हैं। आगे का माहौल भी आपको दिखाएंगे, साथ साथ सारा पूरा माहौल दिखाएंगे। टेंशन ना लो, व्लॉग को स्किप नहीं करना, वीडियो को एक एक मिनट का ज़ाया नहीं करना। आज की वीडियो बहुत मज़ेदार है, आपने बस इंजॉय करना है आज की वीडियो को, ठीक है? साथ ही रहिएगा यार। यहाँ पे तो गोट फार्म भी है, क्या बात है यार। और ये मोर भी हैं यहाँ पे, ये चेक करें, ये मोर बैठा है, वो मुर्गे भी हैं। तो यहाँ पे ये हमारा स्टॉल लग चुका है, इंडोमी का स्टॉल। ये देखो भाई, ये फ्री, वही फ्री सैपलिंग करनी है यहाँ पे। तो ये हमने रेडी शेडी किया है, ये देखें, ये सारा रेडी शेडी किया है। तो इंशाल्लाह अब ये फ्री सैम्पलिंग होगी, वो भी आपको साथ साथ दिखाएंगे। तो स्टॉल लगना स्टार्ट हो गए हैं, ये देखें जी, काफ़ी ज़्यादा स्टॉल लगे हुए हैं, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। साथ साथ हैवी किस्म के स्टॉल लगे हुए हैं सारे, वो है बड़ा हैवी माहौल है यहाँ पे, बड़ा हैवी माहौल है। बात वगैरह का सेटअप है, ये ऑर्गेनिक कोई है, सेटअप लगे हुए हैं सारे। यहाँ पे पब्लिक का ज़्यादा रश हो चुका है नूडल्स गाइस। यहाँ पे न्यूज़ वाले भी आए हुए हैं जो नूडल्स को प्रमोट कर रहे हैं और लोगों का रिव्यू ले रहे हैं, कैसा लग रहा है आप सबको। बस शाम हो गई, इंडोमी का नूडल्स का स्टॉल लगाया हुआ है हमने, और देखिए रश कितना है, बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पे इंडोमी के स्टॉल। ये हाल है हमारे नूडल्स का, चेक करें, हर तरफ मचा हुआ है जो हमने नूडल्स खिलाए हैं लोगों को। इस पर हमारे साथ अंसा बट मौजूद है, अंसा से बात करते हैं, क्या कहती हैं नूडल्स का टेस्ट कैसा लगा? नूडल्स का टेस्ट तो बहुत ज़बरदस्त है, और इसकी खासियत ये है कि ये जो है गंदुम से बनी हुई है। बच्चों का और फीमेल्स का तो मसला ही हल हो गया, जो लोग रोटी नहीं खाते मेरी तरफ से ये 100% रिकमेंडेड है, डू ट्राई देम। तो गाइज मैं अभी तक यहीं पर हूँ यार, अभी तक इधर ही हूँ बस, अभी फ्री हुए हैं यार, इतनी सारा दिन काम किया, इतना बिजी था, अभी जाने का हूँ यार। ये देखिए सारा फेस्टिवल चल रहे हैं, अब रात का मैं इधर आपका टूर करवाता हूँ स्टॉल्स वगैरह का। अब ये देखें, मैं तो अभी फ्री हुआ हूँ, काफ़ी ज़्यादा बिजी था यार, इतना काम था आज, स्टॉल लगा हुआ था हमारा इंडोमी का। तो अब जाके फ्री हूँ, अब जाके मैं आपको थोड़ा माहौल दिखाता हूँ कि क्या सीन है। ये देखें स्टॉल लगे हुए, रात का माहौल चेक करें, ये सारे स्टॉल लगे हुए हैं, देख रहे हैं, ये आगे ढोल खड़क रहा है आप देख रहे हैं, और ये देखें ये सारे स्टॉल लगे हुए हैं। ये ढोल के पास चलते हैं, वो क्यों ढोल बजा रहा है पूछते हैं भाई साहब। अरे घोड़ा नचा, घोड़ा भी नच रहा है, ओए घोड़ा नचे कि नहीं नचे नचाना है, ये सीन है भाई साहब। वो ये सारे स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पे, जो फेस्टिवल चल रहा है ये देख रहे हैं, सारे स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर, टोटली ये सारा ना स्टॉल लगा हुआ है यहाँ पर, देख रहे हैं यहाँ पे गवर्नर साहब भी आए हुए हैं। तो गाइस कैसा लगा मेरा आज का व्लॉग, आपको सारा मैंने दिखाया है, सुबह से रात हो गई है, तो अब मैं जाने लगा हूँ घर, तो मिलते हैं इंशाल्लाह कल नए व्लॉग में। तो तब तक के लिए जा रहे हैं, अल्लाह हाफिज़। क्या हाल है भाई, कैसे हो भाई, ठीक हो, तबीयत से ठीक है? ये हमारा फैन मिला था हमें, चलो मिलते हैं आपसे फिर कल इंशाल्लाह।